नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। मुख्यमंत्री ने की आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। हमें इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए अपने सभी संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में कही। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना पेश की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन देश के सामने रखा है। यह विजन स्लोगन मात्र न होकर एक बड़ा लक्ष्य है जिसका क्षेत्र भी व्यापक है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में उनकी विशिष्टता के अनुरूप 22 क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े पक्षों को कृषि तथा उद्योग से संबंधित योजना बनाते समय इन विभागों के साथ ही समन्वय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत योजनाएं बनाते समय कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ पढ़ाई पूरी कर चुके ऐसे नौजवानों पर भी फोकस करना आवश्यक है जो अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू गई सक्षम युवा योजना काम की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन योजना है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 100 घंटे काम के बदले 9000 रुपए मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाते समय सक्षम युवाओं का डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने यहां एक अलूमनी जैसे भी एक सेल बनाना चाहिए। इसमें 2 वर्ग बनाए जाएं। एक वर्ग में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, जबकि दूसरे में उन लोगों को शामिल किया जाए जो अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार का डेटा जुटाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।